सो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हमारे पास है रियलमी C55 मोबाइल, और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ अगर दोस्तों आप किसी भी ऐप पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी ऐप पर। तो इसके लिए करना क्या है, सिंपली फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे स्क्रॉल करके नीचे को आना है। यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा प्राइवेसी के नाम से ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर से मिलेगा प्राइवेसी, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे मिलेगा ऐप लॉक, ऐप लॉक पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे गो इट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ऐप लॉक इसे इनेबल करना होगा। यहाँ पे जो है सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप जो है अपना एक ऐप लॉक पासवर्ड या दोस्तों पैटर्न रखना चाहें रख सकते हैं। पासवर्ड रखना है तो इस पर, नहीं तो यूज डिफरेंट पासवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो पैटर्न वगैरह आप रख सकते हैं रखना चाहें तो, ठीक है। तो हमें यही रखना है, तो हम अपना एक 25-25 करके बना लेंगे, ठीक है। दोबारा से दोस्तों 25-25 करके बना लेंगे। उसके बाद में एक यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अपना लैंग्वेज वगैरह इस प्रकार से चूज कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो है बैक आ जाएंगे, यहाँ से बैक आएंगे। यहाँ पे दोस्तों ABCD अपना नाम जो इच्छा हो डाल दीजिए, Y हमने डाल दिया, सही के निशान पे यहाँ पे क्लिक कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जिस ऐप को आपको फिंगरप्रिंट ऐप लॉक करना है इसे इनेबल कर देंगे यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से इनेबल कर लेना है जिस ऐप को आप लॉक करना चाहें फिंगरप्रिंट के साथ। अब दोस्तों यहाँ कोने में मिलेगा सेटिंग आइकन, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे मिलेगा अदर अनलॉक मेथड, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे मिलेगा फिंगरप्रिंट, इसे इनेबल करना है। जैसे इनेबल कर देंगे आप दोस्तों वही फिंगरप्रिंट आपके ऐप पे एक्सेस कर लेगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका सक्सेसफुली फिंगरप्रिंट ऐप लॉक लग चुका है, यहाँ से बैक जाएंगे। अगर आपने फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक ओपन करने के नहीं लगाया है तो दोस्तों आप यहाँ से बैक आके पासवर्ड सिक्योरिटी पे जाके फिंगरप्रिंट लगा लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम जैसे क्रोम ब्राउजर पे लगाया था तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा फिंगरप्रिंट लगा है। जैसे दोस्तों अपना फिंगर यहाँ पे लगाएंगे ये तुरंत अनलॉक हो जाएगा।